हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कुशासन के खिलाफ विपक्ष के सभी दल इकट्ठा होने लगे हैं। चौटाला ने एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर में मीडिया से चर्चा में कहा कि परिस्थितियां ऐसी लग रही हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई में निश्चित रूप से विपक्ष को सफलता मिलेगी। तीसरा मोर्चा बनने की संभावना को लेकर कहा कि संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अतीत में झांक कर देखा गया है कि अतीत में विपक्ष के लोग विपरीत परिस्थितियों में इकट्ठे हुए थे और तब राजनीतिक बदलाव आए थे। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में सभी विपक्षी लोग इकट्ठे होंगे और परिस्थितियां बदलेंगे और वक्त ऐसा होगा जब देश को लूटने वाले जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। आज जो देश का हर नागरिक परेशान है और दुखी है, लोग निश्चित रूप से जुड़ेंगे। तीसरे मोर्चे का गठन होगा और चुनाव में इस कुशासन का अंत होगा। किसी एक राजनीतिक पार्टी का चर्चा ना करके मैं आपको देश के हालात कि जानकारी मुझसे आपको ज़्यादा है, उसके प्रति खुल करके एक बात कहना चाहूँगा कि अतीत में इन विकट परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए गठबंधन हुए थे और उसमें विपक्ष के लोगों को सफलता मिली थी। इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। आज देश का हर नागरिक, जैसा मैंने अभी बताया, जो चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई कैसे क्या ही कारोबार करता है, सब परेशान है, सारे दुखी हैं और दुखी लोग निश्चित रूप से जुड़ेंगे। तीसरे मोर्चे का गठन होगा और चुनाव में इस कुशासन का अंत होगा।